अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैं उमैर, उम्मीद है कि सब भाई ठीक होंगे। आज का व्लॉग इस टॉपिक पे बनेगा कि मैंने, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने न्यू केजेस का ऑर्डर दे दिया कि भाई साहब मोहम्मद वजाहत परवेज, मैंने और भाई ने इकट्ठे एक ही जगह से केज तैयार करवाए हैं। तो भाई कह रहे थे यार उसे एडवांस दे चुके हैं हम, मैं टोटल अमाउंट कोई 180 के एक राउंड बोर्ड बनी थी, 80 उसे दे दिया है, 1 लाख उसका पड़ा हुआ हमारे पास। तो भाई कहते हैं इसके बाद जाके चक्कर लगा के देख लें काम उसने कैसा किया, स्टार्ट किया या अभी नहीं किया। पर उसका टाइम था, हमें उसने 1.5 माह का लिया था हमारे से, पर अभी 15 दिन हुए हैं। तो हमने कहा एक दफ़ा जाके देख लें, अगर काम स्टार्ट कर दिया है तो कैसा काम कर रहा है, क्योंकि मेरा केस साइज है 2.5 फ्रंट है, 1.5 हाइट है और 1.5 बैक है, जो पहले लगे हुए हैं सेम वैसे ही। जो वजाहत भाई ने तैयार करवाए हैं, इन्होंने साइज थोड़ा मुख्तलिफ तैयार करवाया है। अगर केस तैयार हो गया जाके आपको दिखाते हैं, अगर नहीं तैयार हुआ जब हम केस लेके आएंगे तब आपको वीडियो में दिखाएंगे। अब हम, मेरी रिहाइश है फैसलाबाद ग्रीन टाउन, तो यहाँ से केस तैयार कराए हैं, वो समयाबाद है। आलमोस्ट हमें 1/2 घंटा लगेगा गाड़ी पे, बाइक पे 15 मिनट लगते हैं क्योंकि इस टाइम रश भी होगा। तो अब हम उसके पास जा रहे हैं, जाके आपको सारा वहाँ से विजिट करवाते हैं, जहाँ जहाँ से कैसे कैसे केस तैयार करवाए हैं। क्योंकि पहले केज मैंने एक बंदे से तैयार करवाए थे, मुझे उसने जो कहा था बना के तो वही दिया, पर उसकी ट्रे का इशू था। तो मैंने उसे मौके पे कह दिया, मैं कहा भाई आज के बाद मैं तेरे से काम नहीं कराऊंगा। मैंने एक केज के पीछे 2000 रुपया ज्यादा भरा था पिछले साल, पर जिस वजह से ज्यादा भरा था वो ट्रे का इशू था, क्योंकि ट्रे ज्यादा देर तक नहीं गुजरती, कहीं से टेढ़ी हो गई, अगर लेंस ज्यादा है तो दरमियान में जाके नीचे को जाती है। तो मैं उसे कहा था भाई ये काम ना हो, पर उसने फिर वही आदत से मजबूर है चावल मारने में, ये चावल मारने के बगैर रह नहीं सकते। तो उसके बाद एक या जो मैंने तैयार करवाया उसका भी नहीं मजा आया। तो फिर मैंने जावा की कलोनी तैयार करवाई थी अपनी, तो जिससे वो तैयार करवाई उसके भी भाई मुझे कॉल्स आई भाई केज में से तैयार करवाई, मुझे जावा की कलोनी का भी नहीं मजा आया, चोट साइज तार लगा गया सारी। मैंने इतना कॉस्टली केज तैयार करवाया, मुझे काफी लोगों ने कहा भाई आप लोहे का फ्रेम या लकड़ी का फ्रेम बनवा के जाली लगा दो, जावा रह लेगी। पर मैंने 10 नंबर तार में इसलिए तैयार कराई, मैं इतनी बड़ी जगह है, अगर मैं अल्लाह ना करे जावा कुछ होता, जावा खत्म करनी पड़ती है मुझे, मैं इधर अपना किनोर फैमिली या लव बर्ड्स की एवरी या जो भी मकाउस वगैरह भी फ्रेज वगैरह भी रख लो तो मुझे टेंशन नहीं होगी। पर चोर से तार लगा गया मेरे, इतना 80+ मेरे लगे थे तब, अब मुझे इतने लगाने का फायदा कोई नहीं हुआ। चले अब आपको जिससे मैंने केस तैयार करवाए हैं, इसके पहले मैंने 4 से 5 घर विजिट किए थे जिसने केस तैयार करके दिए हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त केस थे। अब जाके बाकी आपको दिखाते हैं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. ये कुछ केजीस तैयार किए हैं इन्होंने, ये किसी भाई का कोई ऑर्डर आया होगा फ्लाइट का, ये फ्लाइट तैयार की है। Fade to gray as you fade away.
ये भाई कलोनी तैयार की है, लाहौर के भाई हैं, उनका ऑर्डर तैयार हुआ है। 6 केज है और ये 6 फुट फ्रंट है, 3 हाइट है, 3 बैक है। ये अब्दुलरहमान भाई हैं जिनसे मैंने भी केज तैयार करवाए हैं। भाई आप रास सन किन और ग्रे सब वरायटी के केज तैयार कर लेते हैं तो आप चले, आप अपना कोई कार्ड वगैरह मुझे शो कर दें ताकि मैं ये जो भाई वीडियो देख रहे हैं इन्हें आपका नंबर तक पहुंच जाएगा। अगर किसी भाई ने अपने घर बुला के कलोनी वगैरह तैयार करानी है भाई वो भी कर देते हैं। अब देखो हमारा काम कब करते हैं, महीने का टाइम है भाई के पास।